सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे और साउंड टेस्ट करेंगे पायनियर के कंपोनेंट स्पीकर का। तो ये कार के 6 इंच स्पीकर हैं। तो जो इसका मॉडल नंबर है वो है TSC6021IN। तो जो इसमें दो मॉडल आते हैं, एक 601 और एक 602। तो दोनों कॉमन है, बट उसमें क्या होता है, जो 601 है उसमें मिनिमम पावर जो होती है वो 90 वाट होती है, और जो 602 है इसमें मिनिमम पावर 90 वाट होती है और मैक्सिमम पावर 390 वाट होती है। वो दोनों में सेम है। तो ये है हमारा स्पीकर बॉक्स, इस तरीके का कुछ डिज़ाइन है इसमें। तो हमने ये फ्लिपकार्ट से मैंने परचेज़ किया है, जो मुझे ऑफ़र में 3000 रुपये का मिल गया है। तो ये इस तरीके का इसके साथ बॉक्स मिला है। बस की प्राइस देखें तो प्राइस आपको मिली देखिए 7350, इससे कम में आपको मिल जाता है। तो मैन्युफैक्चरर इसमें लिखा है टोक्यो पाइनियर वियतनाम। कंट्री ऑफ ओरिजिन वियतनाम। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है आपका 7350, लेकिन आपका एक और प्राइस दिया गया है यहाँ पर को, इसमें लिखा है 3675 रुपये पर नंबर के हिसाब से। बाकी इसमें अंदर क्या क्या मिलेगा हमें वो दिया गया है। सबसे पहले कार स्पीकर दो, हमें कार के स्पीकर दो, ट्विटर और 4 ट्विटर होल्डर, स्क्रू असेंबली, वारंटी कार्ड, पैसिव क्रॉसओवर और बाकी सब डिटेल है इसकी कंज्यूमर सपोर्ट की। तो कुछ इस तरीके से दिया गया है। और तो अगर आप इसे एक्सटर्नल एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इस तरीके से दिया गया है, दो स्पीकर आगे की तरफ, दो ये ट्विटर है छोटे और पीछे ये सब बूफर है जो एम्प से जा रहा है ये है। और पीछे की तरफ इसमें कंप्लीट हमें डायग्राम दिया गया है कि किस तरीके से इसे फिट करना है। और एक यहाँ पर वो पंच होल दिया गया है, इसे काट के आप अपनी गाड़ी में या कहीं भी जहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं, इस एरिया को आप कट करके उस जगह पे आप मार्किंग लेके उसे होल कर सकते हैं, जो एग्जैक्टली होल होगा आपके ट्विटर के लिए। तो यहाँ पर वो दिया गया है ट्विटर को किस तरीके से आपने सेट करना है और क्या डायमेंशन है, ये सब कुछ दिया गया है। और यहाँ पर को आपको कनेक्शन दिए गए हैं, इनपुट में किस तरीके से कनेक्शन होने हैं। ये हमारा क्रॉसओवर है, तो ये दो वायर वूफर में जाएगी, दो इनपुट में जाएगी, फिर इसके बाद जो डायरेक्टली ट्विटर में जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसकी वायरिंग करनी है। यहाँ पर हमें डायग्राम दिया गया है, बाकी कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा देखने लायक। और यह है इसकी ब्रांडिंग, यह है पायनियर की ब्रांडिंग, ओरिजिनल लोगो। काफ़ी अच्छे ये स्पीकर होते हैं, काफ़ी अच्छी इनकी साउंड होती है पाइनियर के, जितने भी स्पीकर आते हैं उनके आपको पता ही है पाइनियर और JBL के जो स्पीकर्स होते हैं उनकी साउंड काफ़ी अच्छी होती है। तो इसे मैंने कार में अपने फिट करने के लिए इसे मैंने परचेज़ किया है और इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, उसकी डिटेल देखेंगे और इसे अभी टेस्ट भी करके देखेंगे किस तरीके के हैं। तो सबसे पहले इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले हमको मिलता है उसका वारंटी कार्ड, ये हमारे दोनों स्पीकर्स कुछ इस तरीके से पैक करके भेजा है, काफ़ी अच्छी पैकिंग है इसकी। और 4 हमारे इस तरफ जो ट्विटर के होल्डर हैं, 4
और पीछे की तरफ अगर हम देखें तो दो हमारे ट्विटर, दो क्रॉस ओवर हैं, तो कुछ इस तरीके की इसकी पैकिंग है। इसे ओपन करते हैं। सबसे पहले आप हमारे ये ट्विटर होल्डर हैं, तो चार हमें ट्विटर होल्डर दिए गए हैं इसमें टोटल। अगर हम जिस तरीके से भी इसे सेट करना चाहें, अगर हम इस तरीके से इस वाले केसिंग में अगर इसे फिट करना चाहते हैं तो हम इसमें भी कर सकते हैं, और अगर हमें इस तरीके से अगर हम इसे फिट करना चाहते हैं तो दोनों तरीके से हम अपने ट्विटर को फिट कर सकते हैं, इसलिए हमें ये दिए गए हैं। तो ये हमारा स्पीकर, इसके साथ स्क्रू दिए गए हैं। ये हमारे ट्विटर जो काफ़ी वेटेड हैं, वेट हैं इसमें ट्विटर में, तो हमारे क्रॉस ओवर। कंपोनेंट स्पीकर का यही फ़ायदा होता है, जो कोएक्सियल स्पीकर होता है उसमें यहीं पर का ट्विटर होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें नहीं मिल पाती अगर हम इसे अपने कार में फिट करते हैं, बट इस स्पीकर में हमें ये फ़ायदा मिलता है कि इसकी साउंड काफ़ी अच्छी हमें मिल जाती है जो भी हमारे कंपोनेंट स्पीकर होते हैं। तो जो भी ब्रांड के साथ अगर आप जाते हैं, ब्रांड के जो कंपोनेंट स्पीकर हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, तो इसका कोन काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी हैवी होता है, और अगर आप इसको सही केसिंग में अगर से फिट करते हैं, अगर अपनी आपकी गाड़ी में या किसी भी अगर इसमें बॉक्स में फिट कर रहे हैं आप, अगर आपकी केसिंग अच्छी है तो ये काफ़ी अच्छी साउंड निकाल के देते हैं हमें। तो इसका जो कोन है, ये जो साइड का है, ये का रबड़ का है, और जो ये एरिया है हमारा काफ़ी हैवी है, काफ़ी हैवी है ये। तो पीछे की तरफ से ये पायनियर के जो स्पीकर हैं, तो उसका ये पायनियर के जो स्पीकर होते हैं उसमें आपको देखेंगे जो उसका मैग्नेट होता है उसमें पीछे से इस तरीके का उभार होता है कुछ, तो आप देख सकते हैं 390 वाट मैक्सिमम, 90 वाट नॉमिनल, और 4 ओम, 4 ओम का इम्पीडेंस है इसमें, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं कह सकते इसका, जो हमारा मैग्नेट है काफ़ी बहुत ज़्यादा भारी तो नहीं है, बट जो 6 इंच स्पीकर के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है, तो स्पाइडर भी काफ़ी हैवी है इसका। और अगर हम बात करें तो इसकी कनेक्टर की, कनेक्टर भी काफ़ी हैवी हैं। तो ये रहे हमारे दोनों स्पीकर। हम अगर ट्विटर की बात करें तो जो ट्विटर्स हैं, जो हमारे ट्विटर्स हैं काफ़ी ये हैवी हैं, इनको हाथ में पकड़ के फील हो रहा है, इसमें जो हमारा जो इसमें मैग्नेट लगा है काफ़ी हैवी है, और ये हमारे क्रॉस ओवर। तो क्रॉस ओवर में एक तरफ आपकी सिर्फ दो वायर हैं, एक तरफ सिर्फ दो वायर है जो हमारे ट्विटर में जाएगी, और एक तरफ हमारी चार वायर हैं जो दो हमारी स्पीकर्स में जाएगी और दो हमारी इनपुट में जाएगी। तो इसकी वायरिंग कभी करेंगे, इसकी साउंड भी टेस्ट करेंगे, बने रहिए आप वीडियो के साथ।